स्वाति पारस सर, और आज हम बनाने वाले हैं नूडल्स, जो कि बच्चों को और आजकल बच्चों को साथ बड़ों को भी बहुत पसंद है। तो चलिए आज बनाते हैं हम। और ये देखिए पैकेट लिया है मैंने, ये हॉकर नूडल्स है, ये चिंग्स का, ये देखिए। तो ये करीब 140 ग्राम है इसका वेट, और आप कोई भी नूडल्स ले सकते हैं जो आपके पास हो। तो ये सब्जियाँ मेन जो होता है इसमें सब्जियाँ काटने का, तो ढेर सारी सब्जियाँ काट लीजिए, क्योंकि बच्चे बड़े आजकल नूडल्स नूडल्स करते हैं, तो उन्हें साथ में सब्जियाँ भी खिलाइए खूब सारी डाल के, तो वो खा भी लेंगे इसी बहाने। तो एक बड़ा प्याज लिया था और ये लंबे लंबे काट लिए हमने, और पत्ता गोभी करीब हमने एक कटोरी भर के अच्छे से काट लिया, पतले पतले ही काट लिए जैसे कि नूडल्स में डालते हैं ये। और शिमला मिर्च एक काट लिया है मैंने मीडियम साइज का, और ये है हरी प्याज, ये देखिए। तो इसे भी हरा भाग जो होता है गोल गोल उसे काट लिया है, और ये एक गाजर है मीडियम साइज़ की, इसे भी मैंने अच्छे से धो के सारी सब्जियों को पहले और फिर काट लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। तो चाउमीन बनाने के लिए सबसे पहले हम पानी को उबालेंगे, और उबालने पर हम उसमें नूडल्स डालेंगे। तो ये देखिए मैंने 1.5 लीटर करीब पानी भगोनी में बड़े बर्तन में रखी है, और 1 चम्मच नमक डाल देते हैं, और जब ये पानी उबलने लगे तभी आपको नूडल्स डालना है। पहले नूडल्स नहीं डालना है ठंडे पानी में, थोड़ा उबाली आ जाए उसमें तब डालना है। तो देखिए पानी में उबाली आ गई है, और इसे मैं तोड़ना नहीं है, बिल्कुल सीधे बस ऐसे ही डालना है इसे, और 2 मिनट से ज़्यादा बिल्कुल नहीं रहना, और बिल्कुल तुरंत हमें गैस बंद कर देना है। 2 मिनट गैस बंद करने के बाद भी रखना है इसको। तो गैस को बंद कर देते हैं हम, उबाली अच्छी आ रही है, ज़्यादा इसको नहीं पकाना है नहीं तो ये बेकार हो जाएगी। और बस अब इसे हम ढक देते हैं 2 मिनट के लिए गैस बंद करने के बाद। ये इसे चेक करते हैं हम, 2 मिनट हो गए हमारे, और ये देखिए, और इसे हमने बीच में पलटा भी दिया था 1 मिनट बाद, ये देखिए। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि ये पकी है कि नहीं। और सबसे पहले बहुत ज़रूरी बात है कि आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल पानी उबलता रहे तभी डालना है। ये देखिए बिल्कुल पक गई है ये, और पूरी तरह से नहीं पकाना है, कम से कम 80% तक पकाना है आपको, ये देखिए। और हमने देखिए उबाला नहीं इसको, 20 सेकंड रखा है बस गैस पे, उबलते पानी में डालने के बाद सिर्फ 20 सेकंड रखिए, और फिर गैस को तुरंत बंद कर दीजिए। ध्यान रखना है इस बात को, बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये आपकी ज़्यादा पक जाएगी तो ये बेकार हो जाती है, फिर ख़राब हो जाएगी, बनेगी नहीं अच्छे से। तो बस अब तुरंत इसे हमें चलनी में डाल देना है। तो ये देखिए इसे चलनी में निकालना है फिर उसके बाद, और 2 मिनट बाद अगर आपको ऐसा लगता है निकालने के बाद भगोनी से, जब आप देखते हैं पानी में अगर पकी नहीं है, तो उसे 5 मिनट रहने दीजिए। जब आप निकालते हैं तो कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे नई पकी हुई, तो 5 मिनट रहने दीजिए। और ये देखिए तुरंत इसे चलनी में रखना है, और चलनी में रखने के बाद इसे अच्छे से फैला दीजिए, जिससे इसका पानी जो है निकल जाए पूरी तरह से, और उसके बाद हमें इसे पूरा पानी निकल जाए जब, उसके बाद इसे थाली में फैला देंगे जिससे इसको थोड़ा सूख जाए। तो बस अब इस थाली में इसे फैला देंगे अच्छे से, तो ये देखिए अब इसमें थोड़ा सा तेल डालना है, 2 छोटे चम्मच तेल डाल के इसे मिला देंगे, जिससे ये चिपकेगी नहीं आपस में। तो ये देखिए बस अच्छे से, तो गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है हमने, और देखिए 2 बड़े चम्मच डाला है तेल। तो पहले डाल देते हैं हम लहसुन, और लहसुन को हमको ज्यादा नहीं करना है, सिर्फ 20 सेकंड के लिए करना है, ऐसे कलर नहीं चेंज करना है। और उसके बाद तुरंत अदरक डाल देंगे 20 सेकंड बाद, और बस हरी मिर्च, और अब डालेंगे प्याज। प्याज को भी हमें ज़्यादा नहीं चलाना है, बस थोड़ा सा भूनना है। तो 2 मिनट हमने प्याज को पका लिया है, और अब हम डाल देंगे ये पत्ता गोभी। तो ये सब अब हाई फ्लेम में ही बनेगा ये, और
ये देखिए, इसलिए हमने लोहे की कढ़ाई ली है, अच्छे से हाई फ्लेम में ये बिल्कुल भुना हुआ बनता है, तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। आपने देखा होगा जब भी आप ठेले में या कहीं पे भी खाते हैं चाउमीन, तो अच्छा सा लोहे के उसमें बनाते हैं वो, और अच्छा भुजा हुआ बनता है ये, अच्छा तभी अच्छा लगता है। तो आप डाल देंगे गाजर, और ये शिमला मिर्च भी डाल देते हैं, सारी सब्जियां डाल देते हैं, और ये हरी प्याज डाल देते हैं। हाई फ्लेम में ही अच्छे से भूनना है। नमक अभी नहीं डालिए आप इसे, नहीं तो ये पानी छोड़ देगा। नमक हम लास्ट में डालेंगे। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो गए हैं, और हाई फ्लेम में अच्छे से देखिए हमने सब्जी को पका लिया, और ये देख रहे हैं ना आप कितनी अच्छी लग रही है भुंजी हुई सी सब्जी, और ऐसी ही होना चाहिए। तो अब हम इसमें डाल देंगे ये चाउमीन। ये देखिए बिल्कुल भी चिपकी नहीं है, अच्छी खिली हुई है। आपने देखा होगा ठेले वाले से आप जो चाउमीन खाते हैं तो वह ऐसे ही रखे रहते हैं और तुरंत आपको बना के देते हैं, ये देखिए। तो जब आप इसको डालते हैं चाउमीन को, तो गैस की फ्लेम को लो कर दीजिए, और डरिए मत क्योंकि नीचे इसमें सब्जी है तो जलेगा भी नहीं ये। और अब हम इसमें डाल देंगे सॉस। तो ये देखिए सारे सॉस जो हैं वो डाल देते हैं। तो ये देखिए 2 चम्मच हमने ग्रीन चिली सॉस डाला है, ये हमने सब घर पर ही बनाया है, और ये रेड चिली सॉस है, और सोया सॉस जो है ये हमने घर पर नहीं बनाया, ये बाज़ार से लाए हैं हम। तो 2 चम्मच हमने सोया सॉस डाल दिया है, और अब हमें इसे फटाफट से मिलाना है सभी को। तो आप किसी चम्मच से या उसी किसी भी चीज़ से इसे चिमटे से अच्छे से मिलेगा, ये टूटेंगी नहीं, ऊपर नीचे करके अच्छे से मिला लीजिए इसे पहले। तो 1/2 छोटा चम्मच हम डाल देंगे नमक, आप नमक स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं। और बस अब अच्छे से भुंज गया है ये, और इसको नमक डाल के बस हमें मिलाना है, बस और कुछ नहीं करना है। ये देखिए तैयार हो गई है हमारी ये चाउमीन, और गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद, और इसे सर्व करते हैं। तैयार है हमारी हाका नूडल्स, ये देखिए कितनी अच्छी बनी है, लंबी लंबी, और इसे जरूर बनाइए, बच्चों को दीजिए, लेकिन सब्जी जरूर इसमें खूब सारी डाल के बनाइए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और शेयर भी कर दीजिए। जो आप रेस्टोरेंट में 150 रुपये में खाते हैं, वो देखिए आप आसानी से बिल्कुल कम रीज़नेबल रेट में आप अच्छे से सारे परिवार को खिला सकते हैं और खा सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉच।